हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल वी आर ऑन फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 द क्वेश्चन सेज अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम सो इस तरीके का मान लो एक कंटेनर है जिसमें पूरी आइसक्रीम फिल्ड है अब करना क्या है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप तो right उट करना है, और बनाने है. से बनाने है देखो कौन हमारा आइसक्रीम कौन सब देख रखा होगा इस तरीके से हमारा कौन होता है एंड जब आइसक्रीम का कौन बनाते तो ऊपर एक स्कूप रखते थे ना सो so, एक हेमिसल टॉप इस तरीके से उसका बनाना है तो हमसे पूछा है अब ये इस पूरी आइसक्रीम से एक कोन तो नहीं बनेगा काफी सारे कोन्स भर सकते हैं तो कितने नंबर ऑफ कॉन्स बन जाएंगे इसमें जितनी आइसक्रीम है उससे मतलब कि यहाँ पे इस आइसक्रीम का जो वॉल्यूम होगा मतलब अगर इस कंटेनर का मैं वॉल्यूम निकाल लूँ वो आ गया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम वो इक्वल होगा जितने यहाँ पे कॉन्स बन पाएंगे जैसे अगर आपने एक कोन का वॉल्यूम निकाल लिया कि भाई चलो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ लेट सपोज हंड्रेड एम एल आइसक्रीम है इसमें ठीक है मान लिया हमने हंड्रेड एम एल आइसक्रीम है और एक कोन मान लो दस एम एल आइसक्रीम से एक कोन भर गया ठीक है एग्जाम्पल दे रही हूं मैं इसका मतलब अगर आपके पास हंड्रेड एम एल है तो आप कितने कोन बना पाओगे टेन नंबर ऑफ कॉन्स भर पाओगे ना क्योंकि एक कोन में दस एम एल डल रही है सो टेन 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 करके हंड्रेड एम एल से आप दस कोन बना पाओगे तो यही हमें क्वेश्चन में बताने तो कैसे करेंगे इसको चलो आओ समझते हैं इसको हटा देते हैं सो so, अब इसको अगेन करने के दो तरीके है पहला तो आप इसका वॉल्यूम निकाल लो देन एक कोन का वॉल्यूम निकाल लो एंड देन नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए उसको डिवाइड कर दो सिंपल तरीका है इसी से ही करते हुए चलेंगे लास्ट में एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बता दूंगी वो ठीक लगे तो वो कर ले रहा है सो स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ हमारा जो ये कंटेनर है सो so, क्या है इसका चेक? जो गिवन है वो लिख लेते हैं हाइट गिवन है फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड इसका हमें गिवन है ट्वेल्व सेंटीमीटर इसी तरीके से अगर कोन की बात करें तो उसकी हाइट हमें गिवन है ट्वेल्व सेंटीमीटर और डाया हमें गिवन है सिक्स सेंटीमीटर क्लियर सो अभी हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं विच इज पाई आर स्क्वायर एच सो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं अच्छा देखो आगे जाके हमें भी इसको सॉल्व करना ही है तो पाई एज इट इज रहने देते ताकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट ना करें हम आर की बात करें तो जी रेडियस कितना होगा सिलेंडर का हमें डाया दे रखा है ट so, अगर डाया हमारा टूवेल्व है सो दैट मीनस रेडियस हो जाएगा टूवेल्व अपॉन टू विच इज़ आर इक्वल्स टू हो जाएगा सिक्स करेक्ट सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं वी हैव आर स्क्वायर मतलब सिक्स इंटू सिक्स इंटू हाइट कितनी दे रखी है फिफ्टीन सो ये हो जाएगा सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू फिफ्टीन मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर रही हूँ आप प्लीज कैलकुलेटर यूज मत करना कैलकुलेशन खुद करना यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करती हूँ ठीक है सो चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया हमारे पास 540 पाई मतलब इतना आइसक्रीम का वॉल्यूम हो गया सो so, अब निकाल लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ठीक है सो आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है मतलब भैया एक कोन में कितनी आइसक्रीम लगेगी वो लिखना है अब एक तो जी जो कोन है वो पूरा आइसक्रीम से फिल करना पड़ेगा मतलब जो हमारा कोन है उसका वॉल्यूम हो गया सो so, ये हो गया जी वॉल्यूम ऑफ कोन ठीक है पूरा कोन फेल होगा प्लस ये जो एक टॉप पे आप जो एक स्कूप रखोगे उसका भी तो हमें देखना पड़ेगा ना वो भी तो आइसक्रीम है मतलब जो ऊपर हेमिसफेयर है उसका भी वॉल्यूम ऐड होगा सो so, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर ठीक है आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा चलो अब आगे बढ़ते हैं सो वॉल्यूम ऑफ कोन अपना फॉर्मूला लगाते हैं पाई पाई प्लस वॉल्यूम ऑफ इज ठीक है वैल्यूज पुट करते हैं सो वी हैव वन अपॉइंट थ्री पाई को अगेन एज इट इज लेंगे बिकॉज आगे वो कट जाएगा सो so, बेकार में कॉम्प्लीकेशन नहीं क्रिएट करेंगे रेडियस की अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ कोन में सो so, कोन हमारा डायामीटर है सिक्स स हो जाएगा सिक्स अपॉन टू दैट इज थ्री सो ये हो गया थ्री इंटू थ्री एंड साथ में एच देखो हाइट देखो कितनी है टू एन प्लस टू अपॉन थ्री पाएज इज आर क्यूब अब अगर हम हेमिसफेयर के रेडियस की बात करें तो जितना कौन का रेडियस है उतना हेमिसफेयर का भी रेडियस होगा मतलब ये भी थ्री है सो इन टू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कलर में चेंज कर लेती हूँ सो so, यहाँ पे देखो थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे भी थ्री से थ्री कैंसिल हो गया सो so इधर हमारे पास बचा ट्वेल्व थ्री जटी सिक्स थर्टी सिक्स पाए प्लस यहाँ पे क्या बचेगा थ्री थ्री जी नाइन नाइन टू जटीन सो एटीन पाए इसको प्लस कर लो सो ये एट और सिक्स फोर्टीन देन थ्री फोर फाइव तो ये आ गया फिफ्टी फोर पाए नाउ दिस इज वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम और ये पहले हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ जो हमारी टोटल आइसक्रीम है अच्छा ये हमारा आया है यहाँ क्लियर लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन ठीक है ना वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम तो बेसिकली ये था हमारा टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम तो ये था ना जो सिलेंडर है ये एक में इतनी अब देखो हमें निकालना है सो नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम या हम बोल सकते हैं। जो हमारा कंटेनर है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन ठीक है जी सो वॉल्यूम ऑफ टोटल कितना निकाला था हमने 540 फोर्टी पाए इतना आइसक्रीम था अपॉन में एक कोन में 54 फोर पाए इतना लेगा सो so, पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा इसको हटाएंगे तो ये आ गया 10 दैट मींस एन हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कॉन्स आ गए टेन तो यही हमें क्वेश्चन में निकालना था अच्छा डायरेक्ट कुछ बच्चे इस तरीके से भी कर सकते हैं यहां पे देखो मैं बताती हूं अगर आप करते हैं इसको कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर मतलब जितनी टोटल हमारे पास आइसक्रीम है वो इक्वल होगी एन इन टू मतलब नंबर ऑफ कौन हो गया एन इन टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम एन one good ऐसे भी करके क्वेश्चन करोगे सॉल्व करोगे एक ही बात है दिस इज नथिंग बट ये हम अगर एंड निकालते तो बस ये अपॉन में ले आते हैं और कुछ नहीं है तो कहीं पे अगर आप देखो कि ऐसे डायरेक्ट किया हुआ है तो ये डरना नहीं है कि अलग तरीके से सेम चीज़ है ऐसे करोगे तब भी आंसर ठीक आएगा ऐसे करोगे तब भी आंसर वही आएगा ठीक है तो इट्स जस्ट अप टू तो यू क्या आपको ज़्यादा ईजी लगता है ठीक है सो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ आर एक्सरसाइज इन पॉइंट रीन आउ विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो सो आई सी यू ऑल इन इन द नेक्स्ट वीडियो डिलन टेक केयर एंड Bye.